हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉम्पिटिटिवली बाय अथर। ये है कॉलेज पे चर्चा सीरीज़ का फोर्थ एपिसोड। इस एपिसोड में हम देखने वाले हैं जीएमसी रत्नागिरी पे चर्चा। इस वीडियो में सारे डिटेल्स जीएमसी रत्नागिरी से जुड़े हुए, जैसे कि क्लिनिकल एक्सपोजर, एकेडमिक्स, हॉस्टल फैसिलिटीज़, लोकेशन एंड कनेक्टिविटी, राउंड वन 2023 महाराष्ट्र 85% स्टेट कट ऑफ, उसके साथ ही साथ फी स्ट्रक्चर और बहुत कुछ जानेंगे इस छोटे से वीडियो में। जीएमसी रत्नागिरी से लेकर सभी जुड़ी जानकारियां सिर्फ इस छोटे से वीडियो में। इस कारण से मेरे इस वीडियो से बने रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ जीएमसी रत्नागिरी की लोकेशन एंड कनेक्टिविटी, तो कॉलेज एकदम सिटी के बीच में सिचुएटेड है, पर थोड़ा आउटसाइड सिचुएटेड है। कॉलेज पटवर्धन वाड़ी रत्नागिरी में सिचुएटेड है। उसके साथ ही साथ अगर मैं बोलूँ, द कॉलेज इज़ न्यूली फाउंडेड एंड फ्रेशली सेटअप इन रत्नागिरी सिटी। ये कॉलेज न्यूली फाउंडेड है, मतलब ये नया कॉलेज है और ये रत्नागिरी सिटी में सिचुएटेड है, पर थोड़ा आउटसाइड सिचुएटेड है। ये कॉलेज रोडवेज से बहुत इजीली कनेक्टेड है, उसके साथ ही साथ रेलवेज से भी कनेक्टेड है, क्योंकि रत्नागिरी एक स्टेशन होता है कोकण रेलवे का। इस कारण से रत्नागिरी कोकण रेलवे से बहुत अच्छी तरीके से कनेक्टेड है। अनफॉर्चुनेटली अगर मैं बात करूँ उन छात्रों की जो बाहर स्टेट से इस कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए आएंगे, उनके लिए कोई भी एयरवेज की सुविधा उपलब्ध नहीं है। इस कारण से रत्नागिरी सिर्फ रेलवेज और रोडवेज से ही कनेक्टेड है और रत्नागिरी सिटी बहुत अच्छी मानी जाती है महाराष्ट्र में कोस्टल एरियाज़ की ओर से। वहाँ पर आपको बीचेस देखने को मिलेंगे, उसके साथ ही साथ समुद्री खाना और समुद्री रहन सहन आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। इस कारण से रत्नागिरी कॉलेज भी मोस्ट ऑफ लोग प्रेफर करेंगे। अलीबाग के बाद ये कोस्टल कॉलेज सेकंड प्लेस पे है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ एकेडमिक्स की, तो इस कॉलेज का जो एकेडमिक्स है वो नया है। इस कॉलेज की जो बिल्डिंग है उसका पूरा कामकाज पूरा हो गया है। पहले ये जो कॉलेज की बिल्डिंग थी वो कोविड के हिसाब से बनाई गई थी, मतलब कोविड के टाइम जब हॉस्पिटल में इनटेक कैपेसिटी ख़त्म हो गई थी, तब गवर्नमेंट ने एक नई बिल्डिंग सेटअप की थी जहाँ पे पेशेंट्स को एडमिट किया जाता था पहले। पर अब जब से कोविड ख़त्म हुआ है, ये कॉलेज की बिल्डिंग वैकेंट ही थी। इस कारण से इस बिल्डिंग को अब कॉलेज में तब्दील किया गया है। तो ये बिल्डिंग पहले कोविड हॉस्पिटल हुआ करता था, पर अब ये कॉलेज हुआ करेगा इस साल से। तो कॉलेज की बिल्डिंग पूरी तरीके से तैयार है और सारे डिपार्टमेंट्स भी पूरी तरीके से तैयार है, जैसे कि आप इमेज में देख सकते हैं ये माइक्रोबायोलॉजी का डिपार्टमेंट है। उसके साथ ही साथ अगर मैं बात करूँ, जो कॉलेज का स्टाफ होगा वो नियर बाय जीएमसी से अपॉइंट किया जाएगा, जैसे कि जीएमसी मिरज हो गया, जीएमसी सातारा हो गया, जीएमसी कोल्हापुर हो गया, या फिर जीएमसी अलीबाग हो गया, बीजीएमसी पुणे हो गया, वहाँ से स्टाफ को रिक्रूट किया जाएगा इस कॉलेज में। उसके बाद अगर मैं बात करूँ, तो यहाँ पे जो इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ में आएंगे वो नए होंगे। इस कारण से छात्रों को एक बहुत अच्छा अनुभव मिलेगा इन सारे इंस्ट्रूमेंट्स को यूज़ करने का। उसके साथ ही साथ यहाँ पे कोई सीनियर्स नहीं है, इस कारण से जूनियर्स को खुद के दम पर अपनी पढ़ाई करनी पड़ेगी। सीनियर्स से वो कोई भी हेल्प नहीं ले सकते, जैसे कि मार्किंग्स हो गई या फिर एग्ज़ाम्स में प्रिपरेशन की टिप्स हो गई, वो कुछ भी नहीं मिलने वाली। ये एक ड्रॉबैक हो सकता है। उसके साथ ही साथ अगर मैं बात करूँ इस कॉलेज के एकेडमिक्स की, तो वो इतना कुछ जानकारी हमें नहीं है, क्योंकि ये कॉलेज अभी भी शुरुआत नहीं हुई, एक भी दिन इस कॉलेज का हुआ नहीं है। इस कारण से एकेडमिक्स पे मैं ज़्यादा चर्चा नहीं कर सकता। ये सारे जो डिटेल्स मैंने एकेडमिक्स के और आपको पेश किए, ये सारे प्रीवियस न्यूली फाउंडेड कॉलेज के दम पे मैंने किए, जैसे कि जीएमसी उस्मानाबाद हो गया या फिर जीएमसी अलीबाग हो गया, उसके रिव्यूज़ के दम पर मैं यहाँ के एकेडमिक्स प्रेडिक्ट कर रहा हूँ। यहाँ पे सेपरेट कॉलेज बिल्डिंग अवेलेबल है, मतलब ये कॉलेज हॉस्पिटल में लोकेटेड नहीं है। जनरली जो नए कॉलेजेस होते हैं वो हॉस्पिटल में लोकेटेड होते हैं, जैसे कि जीएमसी उस्मानाबाद, वहाँ पे कॉलेज की सेपरेट बिल्डिंग नहीं है, कॉलेज हॉस्पिटल में ही लोकेटेड है। पर ये कॉलेज की सेपरेट बिल्डिंग है, ये हॉस्पिटल में लोकेटेड नहीं है। हॉस्पिटल लगभग 2 से 2.5 किलोमीटर दूर है कॉलेज से। तो फिर ये सब हुआ एकेडमिक्स की ओर से इस कॉलेज का। अगर मैं बात करूँ क्लिनिकल एक्सपोजर की, तो क्लिनिकल एक्सपोजर इस कॉलेज का एक बहुत अच्छा माना जाता है। पूरे कोकण में रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल फेमस है और यहाँ पे वेल ट्रेंड प्रोफेशनल डॉक्टर्स को अपॉइंट किया जाता है, और उसकी और यहाँ पे बहुत ज़्यादा पेशेंट लोड देखा गया है। तो रत्नागिरी में क्लिनिकल एक्सपोजर बहुत अच्छा है। डिस्ट्रिक्ट सिविल हॉस्पिटल जाना माना हॉस्पिटल है पूरे रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट में। यहाँ पे लगभग रोज 2000 से 3000 पेशेंट्स का लोड पाया जाता है। यहाँ की अगर मैं कैडावरिक रेशियो की बात करूँ, तो वो है 1:20, मतलब एक कैडावर होगा 20 जनों में, और 5 कैडावर्स देखे जाएंगे पूरे कॉलेज में।
उसके साथ अगर मैं बात करूँ हॉस्पिटल की, तो हॉस्पिटल लगभग 2 किलोमीटर दूर है कैंपस बिल्डिंग से। तो फिर ये हुई बात क्लिनिकल एक्सपोजर की। यहाँ पे आप इमेज में देख सकते हैं रत्नागिरी का डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल। उसके बाद अगर मैं बात करूँ राउंड वन की कट ऑफ की, नीट 2023 में अगर मैं बात करूँ महाराष्ट्र 85% स्टेट काउंसलिंग के राउंड वन की कट ऑफ की, तो अगर मैं बात करूँ जनरल कैटेगरी के लिए, जनरल कैटेगरी के बॉयज़ के लिए लगभग ये 588 था, SMS रैंक था 2845, ऑल इंडिया रैंक था 36436, वुमेन के लिए था 587, SML था 2872, 36740, ये था कॉमन के लिए कट ऑफ। ऐसे ही आप SC कैटेगरी के लिए था 491, ST के लिए 363, VG के लिए 532, गर्ल्स के लिए और बॉयज़ का जनरल के लिए 530, NT B के लिए 507, NT C के लिए 565, NT D के लिए 582, OBC के लिए 581, वो हिली एरिया का था, अगर नॉर्मल का बोलूँ तो 582 और EWS के लिए 585। तो ये था GMC रत्नागिरी का राउंड वन का कट ऑफ। अगर मैं राउंड टू की प्रेडिक्शन करूँ तो राउंड टू का प्रेडिक्शन लगभग 580 से 581 तक इस कॉलेज का कट ऑफ रह सकता है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ हॉस्टल और मेस की, हॉस्टल्स यहाँ पे अवेलेबल है, दोनों बॉयज़ और गर्ल्स के लिए सेपरेट हॉस्टल्स अवेलेबल है। उसके साथ ही साथ कॉलेज की मेस भी अवेलेबल है। यहाँ की मेस की फ़ीस लगभग 2600 है पर महीना और हॉस्टल का चार्ज है 4000 पर ईयर। हॉस्टल्स लगभग 2 to 4 किलोमीटर्स दूर है कॉलेज बिल्डिंग से और हॉस्टल्स नए हैं और यहाँ पे प्रॉपर अकोमोडेशन आपको देखा जाएगा, इस कारण से हॉस्टल्स भी इस कॉलेज के बहुत अच्छे हैं। यहाँ पे इस इमेज में आप देख सकते हैं कि कहाँ कैसे हॉस्टल्स का कंस्ट्रक्शन हो रहा है कॉलेज में। अगर मैं बात करूँ फ़ी स्ट्रक्चर्स की इस कॉलेज की, तो यहाँ पर एनम ट्यूशन फ़ीस अगर मैं बोलूँ जनरल कैटेगरी के लिए तो वो है 1,03,900। EWS कैटेगरी के लिए इस ट्यूशन फ़ीस की हाफ हो जाएगी और SC, ST, OBC, NTs और VJs के लिए ट्यूशन फ़ीस ज़ीरो है। लाइब्रेरी डिपॉजिट 2000 वो रिफंडेबल है। लाइब्रेरी फ़ी पर एनम 1000, एडमिशन फ़ी वन टाइम 1500, डेवलपमेंटल फ़ीस 5000, जिमखाना फ़ीस 500, हॉस्टल रेंट पर एनम 4000 एंड एलिजिबिलिटी फ़ी 2600। ये है GMC रत्नागिरी का फ़ी स्ट्रक्चर। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आ गया हो, आई होप आपने ये वीडियो लास्ट तक देखा हो एंड आई होप आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया हो। ऐसे और आने वाले वीडियोस को देखने के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ जिनको GMC रत्नागिरी अलॉट हुआ है, जैसे कि वो इस कॉलेज के बारे में पूरी जानकारी डिटेल में पा सके। तब तक के लिए धन्यवाद। और आप सबको एक और बात कहना चाहूँगा मैं, आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं क्योंकि हमारा चंद्रयान 3 सक्सेसफुली चंद्र मून पे लॉन्च हो गया है और सॉफ्ट लैंडिंग की है उसने। तब तक के लिए धन्यवाद, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय।